मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अदनान गिल है और हम बाइबल की तालीम सीखते हैं। और बाइबल की तालीम के सीखते हुए हमने आगाज किया है स्पिरिचुअल स्टोन्स का, यानी आत्मिक पत्थरों का, रूहानी पत्थरों का, जो हमारी जिंदगियों में इस तरीके से काम करते हैं कि हमारी जिंदगियों में खुदा को हमसे दूर कर देते हैं, क्योंकि खुदा की आँख गुनाह को नहीं देख सकती। हबकूक की किताब एक बाब 13 में लिखा कि खुदा की आंख गुनाह को देख नहीं सकती है। सो हम उन रूहानी पत्थरों के बारे में बात करेंगे, स्पिरिचुअल स्टोन्स के बारे में बात करेंगे, जो हमें नजर तो नहीं आते हैं लेकिन जिनके ठोकर खाने से ना सिर्फ हम गिर जाते हैं रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हम बरकतों से महरूम हो जाते हैं और हमें वो पत्थर नजर भी नहीं आते हैं। गिरते भी हैं हम और हमें नजर भी नहीं आते हैं, तकलीफ में भी होते हैं और हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हम लोग उन रूहानी पत्थरों से, अनदेखे पत्थरों से गिर जाते हैं। सो हम उनका सिलसिला बढ़ाते हुए हम आज सबसे पहला पत्थर देखेंगे कि कौन सा ऐसा रूहानी पत्थर है जो हमारी जिंदगियों में हमें खुदा से जुदा कर देता है, हमें खुदा से दूर कर देता है और हमारी दुआएं खुदा के हजूर नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों? क्योंकि उन पत्थरों के गिरने की वजह से हम लोग तो गिर जाते हैं लेकिन वो पत्थर बाद में बदल कर बहुत बड़े पहाड़ बन जाते हैं और हमारी और बाप के दरमियान दूरी क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि खुदा की आंख गुनाह को नहीं देख सकती है और फिर हम खुदा के वादों को भी अपनी जिंदगी में काम करते नहीं देखते, क्योंकि हम एलानिया तौर पर कह देते हैं कि खुदा बाप हमें आपके वादों की जरूरत नहीं है। सो आज हम सबसे पहले पत्थर देखेंगे और वो सबसे पहला पत्थर बड़ा खतरनाक है, जो बेसिक पत्थर है जिसकी वजह से बाकी सारे पत्थर भी काम करते हैं, और वो पत्थर क्या है? गुनाह है। और वो गुनाह का पत्थर क्या है जो आगे से उसकी किस्म है? वो है लालच। आज सबसे पहले हम लालच पे बात करेंगे। लालच छोटी सी चीज नहीं है। हम लालच का एक लफ्ज सुनते हैं, जी लालच कर लिया उसने। लालच को अगर हम थॉरली स्टडी करें तो हम बात करेंगे लालच के ऊपर, लालच की किस्में कितनी हैं और जिस शख्स में लालच पाया जाता है उसकी निशानियां क्या हैं, लालच के नुकसानात क्या हैं। हम सारी चीजों पर आज बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम बात करेंगे लालच की इकसाम क्या है, लालच होता क्या है। मेरे अजीजों, लालच एक मजबूत और खुदगर्ज ख्वाहिश है किसी भी चीज की जो आपको हद से ज्यादा चाहिए होती है। आपको एक लिमिट पे मिली है लेकिन वो लिमिट आपको पसंद नहीं है, आपको उससे ज्यादा चाहिए। वो पैसा भी है, वो ताकत भी है, वो जज्बात भी है, ऐसा साथ भी है जो आपको ज्यादा चाहिए। लालच एक ग्रीडीनेस, एक ऐसा दीमक है जो आपको लकड़ी की तरह छोटा 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 खाता चला जाता है और हम गिरते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ये नजर नहीं आता लेकिन दिल में दबक कर बैठा होता है। ये हिलता नहीं है, वहीं पर होता है लेकिन हमें नजर ही नहीं आ रहा होता। हमारी जिंदगी में वो बर्बादी की तरफ हमें लेकर जा रहा होता है, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। सो हम लालच की इकसाम देखते हैं क्या है, क्योंकि लालच में आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कम से कम तो आपको पसंद ही नहीं है ना। लालच की हम किस इकसाम के बारे में आज सिर्फ बात करेंगे। पहली किस्म जो है लालच की वो क्या है? पहली किस्म लालच की है जखीरा अंदोजी, होर्डिंग। अब आप कहेंगे जखीरा दोस्तों वो लोग हैं जो गंदम आती है उसको जखीरा कर लेते हैं, चीनी आती है उसको जखीरा कर लेते हैं, नमक आया उसको जखीरा, किसी चीज को भी वो जखीरा कर लेते हैं। खाली वही नहीं है मेरे अजीजो, जो जखीरा अंदोजी का लालच है ना वो बड़े डिसिप्लिन्ड लोगों में होता है, जो नस्बो जब्त के साथ चलते हैं, बड़ा डिसिप्लिन होता है। आपको नजर आता है भाई ये आदमी बड़ा डिसिप्लिन है जी, जखीरा अंदोजी का लालच उसके अंदर भी आ जाता है। ऐसे लोग सिर्फ जमा करने जानते हैं, उनको और कुछ नहीं आई होता, उनको सिर्फ जमा करना है, चाहे वो पैसा चाहे वो ताकत है, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। मान लीजिए कि कोई आदमी चेयरमैन है, नहीं जी नहीं मुझे एमएनए की कुर्सी चाहिए, एमपीए की, फिर एमएनए की चाहिए, लालच नहीं खत्म हुआ, मुझे मिनिस्टर बनना है, मुझे मिनिस्टर से भी आगे जाना है। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारा लालच बढ़ता जाता है। लालच आप कहेंगे कैसे बढ़ता था? हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आती है। हम पैसा है, पैसे को अपने अंदर स्टोर करके बैठ जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास, हम कहते हैं कि यार हमें, मुझे 10,000 रुपया जमा करना है, आप जमा कर लेते हैं, आपकी भूख नहीं मरती। आप कहते हैं नहीं इससे भी ज्यादा होना चाहिए मेरे पास, 20,000 आ जाता है। कोई शख्स आ जाता है भाई मुझे ना 2,000 रुपया चाहिए, बड़ा अर्जेंट मेरी मजबूरी बन गई है। आप उसको क्या कहें? यार मैं तो खुद बड़ी मुश्किल में हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। आपका लालच जो है वो
आपके पैसे को किसी की मदद करने नहीं देगा, क्योंकि आपके मन में है और आना चाहिए। जखीरा दोस्त क्या कहता है, और मोर मुझे चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम से मेरा गुजारा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। और ऐसा शख्स जो होता है वो फराख दिल नहीं होता। कोई गरीब भी उसके पास आ जाएगा मांगने वाले, उसको कहेगा भाई जाओ माफ करो, जा सकते हो, मेरे पास नहीं आना, कुछ नहीं, अल्लाह ही तुम्हें देगा। वो कल के बारे में फिक्र बहुत करते हैं, कल के बारे में, यार क्या होगा कल, अभी तो महंगाई बड़ी होगी है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, गैस बड़ी महंगी हो गई, बिजली बड़ी महंगी हो गई है, मैं कल क्या करूंगा, कल कैसे करूंगा। खुदा ने अकल दी है, मगर खुदा ने लालच के लिए नहीं कहा। कलाम मुकद्दस में लिखा है मत्ती की अंजील 6:34 इसमें, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र ले आएगा। क्या खुदा को नहीं मालूम कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है? वो जानता है। पहले पत्रस में खुदा बाप खुद कहते हैं, खुदा बाप का फरमान है कि अपनी फिक्रें मुझ पे डाल दे, मुझे तेरा ख्याल है। मगर हम तो चौधरी खुद बनने को तैयार हैं, नहीं जी हम अपने दिमाग से सोचेंगे। हम ये वाली किस्म भी जो है वो खुदा की हजूरी से हमें दूर ले जाती है। सो पहली किस्म जो है वो आज हमने देखी, वो जखीरांदोजी की है। वो खाली अनाज जो जखीरांदोजी करते हैं वो नहीं, हम लोग भी, आम लोग भी जो है वो यही काम करते हैं, पैसे की विसातत से, ताकत की विसातत से। सो मेरे जीजो, अपने अंदर लालच को दूर करें, क्योंकि कल के बारे में फिक्र नहीं करें, खुदा को फिक्र है आपकी। खुदा ने अकल दी है, कल के लिए जरूर जोड़े, मगर ऐसे नहीं जोड़े कि मेरे पास नहीं है, किसी की मदद नहीं कर सकते। अगर आप किसी मस्कीन को रोटी खिलाते हैं तो इसका मतलब है कि बाइबल में लिखा है कि वो खुदा को कर्ज देता है और खुदा उसको बरकत देते हैं। सो ऐसा आदमी ये काम करना पसंद नहीं करता। दूसरी बात, दूसरी किस्म, ज्यादा खर्च करने वाले। अब आप कहेंगे एक तरफ पहले आपने एक किस्म बता दी है कि जनाब ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा जमा करता है और वो लालच में पड़ जाता है, और अब आप दूसरी बात कर रहे हैं, एक अजीब सी बात कर रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा खर्च करता है वो भी लालची है। कैसे? बड़ा अजीब लगता है यार, बात कोई जम नहीं रही है कि कैसे। चलो हम देखते हैं कि ज्यादा खर्च करने वाला कैसे लालची होता है। ज्यादा खर्च करने वालों की एक किस्म वो है जो जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं भी होती, उन्होंने लेना ही लेना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक आईफोन है, नहीं 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 मुझे एंड्रॉयड भी नए मॉडल का चाहिए। आपको जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में 2 सिम्स डलती हैं, इंटरनेट चलता है, आपके लिए वो काफी है, आपकी सारी जरूरत को पूरी करता है, लेकिन आपको दूसरा मोबाइल भी चाहिए चाहिए। लोगों को दिखाना नहीं है मेरे पास 2 मोबाइल है महंगे वाले। अब क्या होगा, एक तो पैसे खर्च करके ले लिया, अब दूसरा भी दिखावे के लिए लेना ही लेना है, अपनी ख्वाहिश है, मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे कर्ज भी लेना पड़ेगा, मैं ले लूंगा, और कर्ज लेके क्या करूंगा, वो चीज खरीद लूंगा और कर्ज में डूब जाऊंगा। सो ये एक तरह से कर्ज की लानत में फंसने वाली बात है, फजूल खर्ची। मान लीजिए मेरे पास 1000 है और 1000 में मुझे 5 चीजें चाहिए और वो 1000 में मेरी 3 चीजें पूरी हुई हैं, 2 रह गई हैं और उनकी मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन ख्वाहिश है मन में मुझे चाहिए है, मैंने लेनी ही लेनी है, लालच है दिल में। सो मेरे जीजो, ये दूसरी किस्म का लालच है जिसे हम भूल जाते हैं। यूरोप में बहुत ज्यादा, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत ज्यादा दिखावे का। कोई शादी है, कोई छोटा सा फंक्शन भी है तो दिखावा बहुत करना है, भावे किसी को कर्जा ही फड़ के करना है जी, फराख दिलाना, खर्चा करना है, बाद में भावे पूरा महीने तंगी रही है ऐसी, मगर करना जरूर है। तीसरी किस्म का लालच खतरनाक तरीन, अपना कंपैरिजन करना, मुआजना करना अपना। यार मेरे पास अगर मास्टर्स की डिग्री है, यार इसने एमफिल कैसे कर लिया। आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन क्यों करते हैं? हर शख्स को दुनिया के अंदर खुदा ने पैदा किया है तो उसको एक मास्टरपीस बना के भेजा है। हर शख्स की जिंदगी में खुदा ने एक ना एक तोड़ा जिंदगी का उसको दिया, एक गिफ्ट दिया है, उसकी एक कॉलिंग है। पॉलिटिशियन की भी, सियासतदान की भी एक क्वालिटी है, खुदा ने उसको भी एक तोड़ा दिया, गिफ्ट दिया सियासत में काम। अगर कोई खाकरोब है, कोई झाड़ू लगाता है, तो खुदा ने उसके जिम्मे भी एक जिंदगी, एक काम सौंपा है उसको, एक काम के लिए पैदा किया है। अगर खाकरोब है, सफाई करता है, अगर वो ना करे तो आपके तो गंद पड़ा रहे। सो खुदा ने हर शख्स को एक
मकसद के लिए पैदा किया। और हर शख्स अपने अंदर मास्टरपीस है, लेकिन हमें आदत है कंपैरिजन करने का। ले मेरे नाल सोना लग सकता नहीं लग सकता, दो मेरे पास अगर कल्टस है या मेरे पास अगर छोटी गाड़ी यारिस है तो इसके पास फॉर्च्यूनर कैसे आ गई है, इसके पास नहीं मेरे पास होनी चाहिए। सो क्या हुआ, हम अपना कंपैरिजन करके जिस्मानी तौर पे भी अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं और स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर हम लोग खुदा से दूर हो गए। अगर किसी को खुदा ने बरकत दी है तो ये खुदा ने उसको दी है, अगर कोई उस्ताद है तो ये खुदा ने उसको बरकत दी है, अगर खुदा ने किसी को शिफा की नेमत दी है तो ये खुदा ने उसको दी है, अगर किसी को खुदा ने रोया की नेमत दी है तो ये खुदा ने दी है, खुदा के रूह ने दी है। मगर हम हर किसी के साथ अपना कंपैरिजन करना, मुझे ड्रेसिंग सेंस बहुत है, इसको कहां से आ गई, इसको आ ही नहीं सकती, हम जल्दी से अपना कंपैरिजन मुकाबलेबाजी पे उतर आते हैं। सो मेरे जीसो लालच पैदा होता है अपने अंदर कि मेरे पास बेस्ट होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, अगले के पास नहीं होना चाहिए। लालच है मन में कि मैं टॉप पे नजर आना चाहिए, मैं यूनिक नजर आना चाहिए, दैट इज अ ग्रीडीनेस। ये तीसरी किस्म है, डेंजरस वन। चौथी किस्म और आखिरी किस्म हकदार की, कि अपने आप को समझना कि हर चीज के लिए हकदार मैं ही हूं, दूसरा शख्स नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, अगर खुदा ने किसी को कोई चीज दी है तो ये खुदा की मर्जी है, आपकी नहीं है, मगर आप समझते हैं कि हर चीज में हक मेरा होना चाहिए। अगर मेरा भाई है तो मेरे से ज्यादा प्यार करना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। क्यों करे, मेरा भाई है। हर शख्स की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, उसने उसी तरह उसको डिवाइड करना है, लेकिन हम कहते हैं हमें चाहिए। ये ज्यादातर जो है ना, ये खादमीन के अंदर बहुत बीमारी पाई जाती है। मैं देख रहा था एक खादम थे अमेरिका में, उनका नाम डॉलर है, कंप्लीट नाम मैं उनका भूल गया, उनको एक जेट चाहिए। उन्होंने कहा मुझे खुदा ने ख्वाब में कहा तुझे जेट लेके देना है, प्राइवेट जेट लेके देना है, और उसकी कीमत है $65 million, और कलीसिया मुझे लेके देगी, जबरदस्ती का हक। क्या कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं चलती हैं, आप उनमें नहीं ट्रेवल कर सकते हैं, आपको $65 million चर्च के पैसे से चाहिए? यानी अगर आप खुदा की खिदमत करते तो इसका मतलब क्या है कि आप कांग्रीगेशन को, आप कलीसिया को प्रॉब्लम्स में रखेंगे कि वो पैसा ही दे सिर्फ आपको, आपकी ख्वाहिशें पूरी करें, आपका हक ज्यादा, जब खुदा आपको दे रहे हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो खुदा ने आपको जॉब दी हुई है, उसके बदले में खुदा आपकी मजदूरी के मुताबिक आपको दे रहे हैं, तो फिर भी आपकी आपका लालच अंदर से खत्म नहीं होता। हम इंसानों में भी ये पाया जाता है, मेरा हक ज्यादा है जी, वो पटवारे जी तो मां प्यो चले जाते ने, जी तो घर आते पटवारे होते ने, मेरा हक बहुत है जी, मैं तो सारे ने पढ़ा के वड्डा कीता है, मैं सारा कुछ कीता, मेरा हक बहुत है। सो ये लालच है। सो आज हमने देखा कि लालच की चार किस्में हैं, और खुदा बाप कहते हैं कि जर की दोस्ती से खाली रहो। वाइस की किताब 5:10 में लिखा हुआ है कि जर दोस्त रुपया से असूदा ना होगा, चाहे उसके बढ़ने से वो शेर नहीं हो। यानी जो पैसे से प्यार रखता है वो कभी पूर्ण नहीं होता, वो इत्मीनान नहीं पाता, वो ज्यादा से ज्यादा कहता है मेरे पास आए, मैं ज्यादा से ज्यादा लूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। मैं हमारी क्लास चल रही थी तो हमारे प्रोफेसर ने क्वेश्चन किया, हु इज द मिजरेबल पर्सन इन द वर्ल्ड, कि सबसे मस्कीन और तस जिस पर आए वो शख्स कौन सा है। अब हम क्लास में लोग बैठे हैं सारे, अब जवाब दे रहे हैं, सर जवाब है जी, अफ्रीका में गरीब तरीन गुर्बत की इंतहा, इंडिया में गुर्बत की इंतहा, पाकिस्तान में थर में चल जाए गुर्बत की इंतहा, श्रीलंका में गुर्बत की इंतहा, नेपाल में बड़ी गुर्बत है। एंड ही बिगिंस टू लाफ, क्यों, वो हंसने की लग पड़ा, हम भी बड़े परेशान होकर लाया भी जो आप उठा देता है, गलत हो गया जवाब। उसने कहा कि दुनिया का मस्कीन तरीन शख्स वो है, तरस खाने वाला शख्स वो है जो रुपए से प्यार करता है और उसके पास बहुत ढेर सा पैसा होता है। सरप्राइज। अच्छा यार, अब एक सवाल जहन में आ रहा है, खुदाया इब्राहिम के पास बहुत पैसा था, खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी थी, इजहाक याकूब यूसुफ हिजकिया इतना पैसा दिया, दाऊद सुलेमान इतना पैसा दिया,
ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया। तीन चार दिन के बाद मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था एलन मस्क के ऊपर, और एलन मस्क जो है वो टेस्ला का ऑनर है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, अभी उसने ट्विटर को भी परचेज किया है। वो शख्स से एक पॉडकास्ट में एंकर उससे पूछता है कि मिस्टर मस्क आई हैड अ क्वेश्चन। हाँ जी पूछो, क्या सवाल है, क्या आप खुदा पर ईमान रखते हैं? एंड ही बिगिंस टू क्राई, वो रोने लग पड़ा। कलामे मुकद्दस में लिखा है जर की दोस्ती से खाली रहो, जर की दोस्ती, वाइस की किताब 5:10 में लिखा है कि जर दोस्त रुपए से आसूदा नहीं होगा, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता, इत्मीनान नहीं आ सकता। वो कहता है कि सोते जागते उठते सिर्फ पैसे के जेन में होता है, उसको महफूज कैसे करना है, पैसे को सिक्योर कैसे करना है, आगे मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स मैं स्टार्ट कर सकता हूं, यही सोच है। उसकी अपनी घरेलू जिंदगी तबाह है, पहली डायवोर्स, दूसरी डायवोर्स, तीसरी डायवोर्स, चौथी एक जादूगरनी से उसकी शादी हो गई, और वो रोता है खुदा के लिए। सो मेरे अज़ीज़ो, लालच तो हम कर बैठते हैं लेकिन खुदा से दूरी पे चले जाते हैं। क्या खुदा को ये पसंद है? खुदा को नहीं पसंद है। खुदा तो वो है जो हम पर मेहरबान है। ये वाहिद खुदा का खौफ है जिसमें बरकत है, खुदा के खौफ में बरकत है। खुदा का खौफ हिकमत और दानाई का शुरू है। जो खुदा के खौफ में रहते हैं खुदा उन्हें बरकत देते हैं। ये जिंदगी के अंदर एक वाहिद खौफ है जिसके साथ बरकत जुड़ी हुई है, वरना खौफ मौत का होता है, डर होता है, खौफ के बाद जो है वो भयानक रिजल्ट होते हैं, लेकिन ये वाहिद खौफ है जिसमें आपको बरकत मिलती है। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा बाप, हमारी बाइबल, खुदा का कलाम जिंदा कलाम है जो हमारी जिंदगियों में हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मसीहत मजहब नहीं है, जिंदगी गुजारने का तरीका है, वो तरीका है जो खुदा का पसंद है। सो खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे। हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक क्या वो निशान पाए जाते हैं लालच के किसी शख्स के अंदर। हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जानकारी का इस्तेमाल करें। थैंक यू।